गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज 2.3 से। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अबाउट द इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या है? इन दिस एक्सरसाइज अ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का डिवीज़न भाग, ठीक है, कि जो फ्रैक्शंस होती हैं उनकी हम डिवीज़न किस तरह से करते हैं। सो फर्स्ट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? सी, टू नॉन ज़ीरो फ्रैक्शंस हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर गिव्स वन। टू नॉन ज़ीरो फ्रैक्शंस, ऐसी दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो नहीं हो, एंड हुज़ प्रोडक्ट विद ईच अदर गिव्स वन, और उन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होना चाहिए? वन, और कॉल्ड रेसिप्रोकल ईच अदर, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। सपोज 3/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/3, और 3/7 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से, तो 7 से 7 डिडक्ट हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। ओके, तो ये होती है रेसिप्रोकल के साथ फ्रैक्शन। सेकंड आता है हमारा डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। जब हम किसी एक फ्रैक्शन की किसी दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? सी, व्हेन वी डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस विद द रेसिप्रोकल ऑफ अदर फ्रैक्शंस। हम क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शंस की हमें डिवाइड करनी होती है तो हम डिवाइड की जगह वहाँ क्या करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो सेकंड वाली हमारी फ्रैक्शंस होती है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कैसे? जैसे एग्जांपल है हमारा यहाँ, डिवाइड 3/4 बाय 5/6। 3/4 की हमें 5/6 से डिवाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 हमने सेम ऐसी राइट किया, बाय की जगह क्या आ गया, डिवाइड का साइन आ गया, 5/6 ऐसे किया, इक्वल 3/4 ऐसे ही राइट करेंगे, डिवाइड की जगह साइन आएगा मल्टीप्लाई का, और 5/6 का रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, क्या आएगा, 6/5। रेसिप्रोकल अपोजिट हो जाता है हमारा, और रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो हमारा डिजिट जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स का न्यूमरेटर्स कर देते हैं अपोजिट। देखिए यहाँ 5/6 है, 5 न्यूमरेटर है, यहाँ हमने 5 को डिनोमिनेटर बना दिया, यहाँ 6 डिनोमिनेटर है, यहाँ हमने 6 को न्यूमरेटर बना दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल से और आंसर आ जाएगा। ओके, इतना वर्क हमें डिवीज़न के लिए करना है। अब देखिए यहाँ पे नोट दे रखा है, ये आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, जो नोट पॉइंट हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे। फर्स्ट है, टू डिवाइड ए होल नंबर बाई ए मिक्सड फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्सड फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन डिवाइड। यदि हमें एक होल नंबर की किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करनी है तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, सेकंड है, टू डिवाइड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमें किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तब भी हमारा वही वर्क है, वी कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन डिवाइड। पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर दैट उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए वी चेंज द डिवीज़न साइंस इंटू मल्टीप्लीकेशन। हमें जो डिवीज़न साइंस है, जो भाग का साइन है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है एंड राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवीज़र। जो डिवीज़र होता है हमारा, सेकेंड टर्म्स होती है, उसका हमें रेसिप्रोकल राइट करना होता है। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है डिवाइड करने के लिए। और आफ्टर दैट चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, डिवाइड एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है हमारा, 5/8 बाय 15/16। 5/8 को 15/16 से हमें डिवाइड करना है। ओके, सो फर्स्टली वी राइट 5/8
8, बाय की जगह डिवाइड का साइन एंड देन 15/16. नाउ 5/8 डिवाइड की जगह पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन. 15/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, 16/15. ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर किसी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर्स को या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर्स को डिवाइड जा रहा हो तो 8 1 8, 8 2 16 हो गया. यहाँ 5 1 5, 5 3 15. ओके, सो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 2 1 3, 2 1 2 and 3 1 3, सो 2/3 इज़ आंसर. ओके, और एक पार्ट और देख लीजिए इसका कोई, चलिए 6 पार्ट देख लेते हैं. 6, चलिए 4th देखते हैं. नाइन होल फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय 42. ओके, सी 5 9 45 and 4 49. फर्स्टली हमने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई और बाय है, बाय बाय बाय, हियर इज बाय, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, बाय बाय को हटाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे 42. अब हमें क्या करना है, 49/5 डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई आएगा, 42/1 का क्या हो जाएगा, 1/42. डिवाइड कर दीजिए, 7 6 42 and 7 7 49. यहाँ आएगा आपका 7 1/5 6, 7 1 7 and 5 6 30. सो इट्स अ आंसर, 7/30 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. हम देख टू, क्वेश्चन नंबर टू, सिंप्लीफाई 5/16 / 25/32. आपको करना वही है, इसमें डिवाइड था, इसमें सिंप्लीफाई लिख दिया है और वहाँ बाई की जगह डिवाइड का साइन आ गया है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट पार्ट, 5/16 / 25/32. सो 5/16 की जगह साइन आएगा मल्टीप्लाई का, 25/32 का क्या हो जाएगा, 32/25. ओके, सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5, 5 5 25, 16 1 16 and 16 2 32. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2/1 5 = 2 1 2/5, 5 2/5 आपका आंसर आ जाएगा. ओके, एक पार्ट और देख लीजिए कोई सा भी, फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका. फिफ्थ पार्ट है हमारा 72 / 2 1/4, राइट. सो 72 तो ऐसे ही रहने वाला है हमारा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 4 2 8 8 and 1 9/4. अभी डिवाइड का ही साइन लेने दीजिए. यहाँ पे आप करेंगे हम 72/1 / 4/9, रेसिप्रोकल लिखेंगे, 9 1 9, 9 8 72, कितना आएगा यहाँ पे, 8 4 8 4 32 इज़ आ आंसर. तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इस चैप्टर्स, इस एक्सरसाइज की आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हैं. तब तक आप इस वर्क को रिवाइज कीजिए, अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करके राइट कीजिए. ओके, तब तक के लिए बाय.